गाइस वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको पबजी मोबाइल में जो न्यू टीडीएम मैप आया है द रुइंस, उसके साथ ऐसे सीक्रेट लोकेशन या फिर बोल सकते हो ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनका यूज करके आप अपनी टीम में सबसे ज्यादा किल कर सकते हो और हर एक मैच को इजीली विन कर सकते हो। और ये कोई नॉर्मल नहीं है, ऐसे ऐसे सीक्रेट लोकेशन बताऊंगा जो एनिमी को पता तक नहीं होगी और वहां पे जाके हर बार आप इजीली उन्हें जो है किल कर सकते हो। मतलब यार उन्हें पता ही नहीं होगा कि आप हो कहां पे। जैसा कि आपको पता है द रुइंस वाला जो मैप है उसमें बंदों को खोजना पड़ता है मारने के लिए, बट यार ये सारे के सारे अगर आप ट्रिक्स यूज करोगे तो सोच लो कितना ज्यादा मजा आएगा। सो गाइस इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है एंड इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा नहीं सिर्फ 5000, सो जल्दी से कर दो। सो गाइस जो हमारा सबसे पहला सीक्रेट लोकेशन है वो यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भाई इस ट्रिक का अगर यूज़ कर लेते हो तो आपको कोई भी नहीं मार पाएगा, आप सबको मार सकते हो। सो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से जब आप जंप करोगे तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप राइट जंप नहीं कर रहे हो, क्योंकि जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ, अगर सेम चीज़ अगर आप करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको आराम से जंप करना है एंड यहाँ पे जंप करके आपको स्प्रिटिंग लॉक कर देनी है। सो आपने यहाँ पे समझा क्या करना है, आपको जंप करके स्प्रिटिंग को तुरंत लॉक करना है, तब जाके आप इसके ऊपर आओगे। नहीं तो भाई आप नीचे ही रह जाओगे, कितनी भी कोशिश कर लो आप ऊपर नहीं आने वाले। अब यहाँ पे आ जाओगे तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से आप गायब हो चुके हो। मेरे टीम मेंबर कोई शॉक हो गए थे कि मैं यहाँ पे आया कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको सामने की तरफ कवर भी मिल जाता है, जिससे यहाँ पे आपने देखा एक एनिमी आया है, ये मेरे ऊपर फायर किया था, स्प्रे किया था, बट मुझे एक ही दो एमओ उसकी लगी, बाकी की ये जो सामने मेरे है उसमें लग गई। सो यहाँ पे आपको कवर भी मिल जाता है और इजीली आप यहाँ से बंदों को किल कर सकते हो पिक एंड फायर का यूज़ करके। बस यहाँ पे आपको आना है, आने के लिए आपको इस ट्रिक को करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो ये जो है ट्रिक हो जाएगी। ये एक प्रकार से हमारी सबसे पहली सीक्रेट लोकेशन है और ये कोई नॉर्मल नहीं है भाई, बहुत ही कमाल की है, द रुइंस वाले मैप में वर्क कर रही है। सो यार देर किस बात की, अगर आप ये खेलते हो तो आके एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। एंड गाइस जो हमारा सेकेंड ट्रिक है ना, ये भी कोई नॉर्मल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। इसमें दोस्तों आप इसके ऊपर आ सकते हो। जहाँ दोस्तों अब आप सोच रहे हो कि इस वॉल के ऊपर तो हम जा ही सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा हटके है यार, देखो तो सही। सो उसके लिए यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। और यहाँ से देख सकते हैं आप इजीली बंदों को किल कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है इसके नीचे स्पॉन एरिया है जहाँ से बंदे रिबर्न होते हैं, तो उन्हें इजीली जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे वैसे ही आप ख़त्म कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको हर तरफ का व्यू मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीढ़ियों से भी व्यू मिल रहा है और इस साइड भी अगर बंदे आते हैं तो उस साइड का भी व्यू मिल रहा है, मतलब कि हर तरफ से आप यहाँ से जो है बंदों को किल कर सकते हो। सो गाइस अब जो हमारी तीसरी लोकेशन है वो यहाँ पे है। जहाँ दोस्तों यहाँ पे हम कैसे जा सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, और वहाँ पर जाके ईजिली आप बंदों को किल कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर आना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर जंप करके चढ़ जाइए, अब यहाँ पे आपको आ जाना है। सो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं यार ये जो बंदे हैं इनको क्लियर कर देते हैं, नहीं तो बाद में ये दिक्कत देंगे। सो फाइनली ये क्लियर हो चुके हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ पे सही से पोजिशन में खड़े हो जाना है और सामने की तरफ तेजी से भागते हुए जंप करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रिटिंग लॉक करके जंप करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों इजीली आप बंदों को किल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे मैंने उसको किल कर दिया और यहाँ से इजीली उन्हें भी किल कर सकते हो। यहाँ पे ये भी बचा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे ही दोस्तों वहाँ पे आप जा सकते हो और इजीली एनिमी को किल कर सकते हो, उन्हें पता तक नहीं चलने वाला कि आप हो कहाँ पे। बस आप अगर सही से वहाँ पे चले जाते हो तो वही बहुत बड़ी बात है, उसके बाद तो भाई इजीली आप किल कर सकते हो बंदों को। सो आइए मैं आपको एक बार फिर से जाके वहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप देख लीजिए मैं एक और बार यहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे आने के बाद इजीली आप बैठ सकते हैं और साथ ही साथ हर तरफ का आपको यहाँ पे व्यू मिल जाएगा, हर तरफ के जो बंदे हैं ना उन्हें किल कर सकते हो, उन्हें पता तक नहीं चलेगा आप यहाँ पे कैसे आए हो और यहाँ से उन्हें जो है कैसे मार रहे हो। यहाँ पे आप देख लीजिए इस टाइप से भी आपको जो है व्यू मिल रहा है, वहाँ के भी बंदे को आप इजीली किल कर सकते हो। सो ये है हमारी थर्ड लोकेशन। आइए मैं आपको जो है अगला ट्रिक बता देता हूँ उसे आप कैसे इस्तेमाल करने वाले हो। सो गाइस जो हमारा फोर्थ ट्रिक है ना वो यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख लीजिए। अब ये एक प्रकार से देखा जाए जैसे ही आप पे पुश हो जाता है सारे बंदे आ जाते हैं तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
सो इसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों इसके ऊपर चढ़ना है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इसके ऊपर आइए, उसके बाद यहाँ से आपको लेस ग्रैब वाला जंप करना है, फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे बैठ जाओ। बैठने के बाद भाई आप ऊपर अगर बंदे आते हैं तो उन्हें ऊपर के बंदों को ख़त्म कर सकते हो और इजीली उन्हें जो है शॉक दे सकते हो कि भाई आप हो कहाँ पे। एंड साथ ही साथ दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं स्पॉन एरिया दिया गया है एनमी का, जैसे कि वहाँ पर एनमी स्पॉन होते हैं वैसे ही आप उन्हें भी ख़त्म कर सकते हो। तो इस टीक का भी आप यूज़ करके इजीली बहुत ज़्यादा किल कर सकते हो और किसी को पता तक नहीं चलेगा आप कहाँ पे हो, और जब तक आपको कोई देखेगा ना तब तक भाई आप उसका गेम बजा दोगे। तो इस टीक का यूज़ करो और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा द रुइंस वाले मैप में, क्योंकि यार नया मैप है, नई नई ट्रिक्स का यूज़ करो, खेलने में मज़ा आएगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं आज के हमारे यूसी विनर की। तो यह है कल की वीडियो और इसका लिंक मैंने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। एंड यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे हम क्लिक करके जो है विनर सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे यूसी विनर 150 यूसी विनर कौन आते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कौन आता है। तो यहाँ पे आए हैं सुषमा मुखर्जी, लेकिन इन्होंने अपना पबजी आईडी नहीं दिया है। सो मैं कोई और को ही सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि यार बिना पबजी आईडी के मैं कैसे मैं जो है ये यूसी ट्रांसफ़र करूँगा। सो प्लीज़ अपना पबजी आईडी दे दिया करो। यहाँ पे देखते हैं कुणाल, इन्होंने भी देख सकते हैं नीचे अपना प्लेयर जो आईडी होता है प्लेयर आईडी वो नहीं दिया है, तो फिर से ही मुझे अलग विनर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप कमेंट कर रहे हो तो प्लीज़ अपना प्लेयर आईडी डालो यार। ये देखो अगर आप प्लेयर आईडी डालोगे ही नहीं तो फिर मैं कैसे यूसी ट्रांसफ़र करूँगा। यूसी ट्रांसफ़र करने के लिए आपका प्लेयर आईडी चाहिए होता है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं प्लेयर आईडी कैसे मिलता है। आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करो और वहाँ पर ऊपर जो 10 नंबर लिखे रहते हैं वो नंबर आपका प्लेयर आईडी होता है। सो वो प्लेयर आईडी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो #infinitygang एंड अपना प्लेयर आईडी, बस इतना करना होता है। और आप लोग अपना यूज़र नेम डालोगे तो भाई मैं कैसे यूसी दूंगा। तो यहाँ पे फिर से मैं अलग विनर सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं क्या करूँ यार। तो इन्होंने देख सकते हैं अपना प्लेयर आईडी दिया है, तो इनके अकाउंट में मैं जो है यूसी ट्रांसफ़र कर दूंगा कुंज गेमर। तो यहाँ पे मैं अकाउंट जो है इनका आईडी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर आप देख लीजिए इनका नेम आ चुका है कुंज। सो यहाँ पर मैं 150 यूसी इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यार देखो आप लोग अगर अपना प्लेयर नेम दोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप अपना प्लेयर आईडी दो उससे आपके अकाउंट में यूसी जाने वाला है। सो आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप नीचे कमेंट करो अपना प्लेयर आईडी लिखना मत भूला करो। अगर आप चाहते हो 150 यूसी विन करना डेली तो अपना प्लेयर आईडी तो यार ज़रूर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनके अकाउंट में जो है यूसी ट्रांसफ़र कर दिया है 150। सो ऐसे ही दोस्तों आप भी जो है ये गिवे का पार्टिसिपेट करो और विनर आ सकते हो और फ्री में 150 यूसी डेली पा सकते हो। सो गाइस जो हमारा 5th लोकेशन है ये भी कोई नॉर्मल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। वो यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जाने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा और एक और जम करके यहाँ पे आना है। अब यहाँ से दोस्तों आपको भागते हुए एक लेस ग्रैब करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप बैठ जाओ, उसके बाद जैसे ही यहाँ से एनमी आए वैसे ही आप उन्हें जो है किल कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ से आपको पता है एनमी आती रहती है, तो ईजिली आप पूरा का पूरा गेट ब्लॉक करके जो है बैठ सकते हैं और जैसे ही कोई बंदा आता है उसे ईजिली किल कर सकते हो। यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए ये बंदा आया है, इसे मेरी लोकेशन पता ही नहीं है और इजीली मैंने उसे किल कर दिया। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे और भी बंदे आएंगे उन्हें भी मैं मारने की कोशिश करूँगा आपके सामने ही। सो यहाँ पे आप देख लीजिए एक और बंदा आया है, लेकिन अभी वो बाहर नहीं निकला है, अंदर के साइड है। सो यहाँ पे एक और बंदा आ चुका है, देख सकते हैं उसे मेरी लोकेशन पता चली लेकिन फिर भी मैंने उसे मार दिया। सो यहाँ पे आप आके इजीली जो है बंदों को किल कर सकते हो। यहाँ पे मेरी HP कम थी, उसका फ़ायदा उठा लिया उसने, एक ही 2 MO में मुझे ख़त्म कर दिया। सो ऐसे ही दोस्तों आप इस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर ये ट्रिक वर्क कर रही है। एंड दोस्तों जो हमारी 6th लोकेशन है ना ये भाई कोई नॉर्मल नहीं है, पहले ही बता दो, ये सबसे ज़्यादा धांसू है एंड यहाँ पे आपको ये जो है ट्रिक वर्क कर रही है। सो सबसे पहले आपको पता है कहाँ आना होगा, यहाँ पे आना होगा और इसके ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए जो सामने दिया गया है ना इसके ऊपर आपको चढ़ना है, यहाँ पे आपको लेस ग्रैब करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसके ऊपर आ जाओगे और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप प्रॉन हो जाओ। प्रॉन होने के बाद देख सकते हैं सामने जितने भी एनमी हैं इजीली आप यहाँ से किल कर सकते हो। भाई देख लीजिए पूरी के पूरी जो एनमी हैं उनका व्यू मिल रहा है और इजीली भाई हम यहाँ से जो है एनमी को किल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे मार नहीं रहा था क्योंकि अभी वो स्पॉन हुआ था, मतलब कि उसका जो 5 सेकेंड होता है वो था इसी वजह से।
तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसे मेरी लोकेशन पता चल गई है, फिर भी मैंने उसे मार दिया और उसने एक भी एमओ मुझे नहीं मार पाई, क्योंकि भाई ये अच्छा लोकेशन है और यहाँ से भाई कोई भी आपको देख नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे आप लेटे लेटे बहुत सारे बंदों को टलका सकते हो। मैंने 4 बंदों को यहाँ पे आपके सामने ही ख़त्म कर दिया। सो ऐसे ही दोस्तों आप इस लोकेशन का यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, आज का जो हमारा लास्ट लोकेशन है ना, वो यहाँ पे है। एंड ये भी कोई दोस्तों नॉर्मल मत समझना, इससे भी आप इजीली बहुत सारे बंदों को किल कर सकते हो। सो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है एंड सामने की तरफ जंप करना है और यहाँ पे आके क्राउच करके बैठ जाना है। बैठने के बाद दोस्तों आप यहाँ से ये वाला जो दरवाज़ा है इसे ब्लॉक कर सकते हैं, बंदे आते ही उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। और रिस्टी का यूज़ करके आप समझ लीजिए एक प्रकार से पूरा का पूरा ब्लॉक कर दोगे दरवाज़ा, एंड अगर ये स्पॉन एरिया में बंदे हैं तो उन्हें भी आप ख़त्म कर सकते हो। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में मैंने आपको 7 लोकेशन बताई, आपको उम्मीद करूंगा 7 लोकेशन पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद जो सबसे ज़्यादा पसंद आई लोकेशन वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपके वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक यू दोस्तों।